जैसा कि आप सबको पता है कि अंग्रेजी बोलना भी उतना ही जरूरी है शुद्ध जितना कि शुद्ध अंग्रेजी लिखना। तो मैं आपकी मदद के लिए कुछ आज ध्वनि चार्ट लेके आया हूँ, उसकी मदद से समझिए कि अंग्रेजी के लेटर्स को कैसे कैसे पढ़ा जाता है। ए को अपन अ भी पढ़ते हैं, कभी आ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं। इनको कब कब कैसे कैसे पढ़ा जाता है, कब अ पढ़ा जाता है, कब आ, मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। बी को ब पढ़ा जाता है, सी को च भी, कभी क, कभी श, कभी श भी पढ़ा जाता है। इस तरह से डी को ड भी, ज भी, ई को ए, एफ को फ, और जी को ग भी पढ़ते हैं, ज भी पढ़ते हैं, एच को ह पढ़ते हैं, आई को जो है ई भी पढ़ते हैं, कभी आई भी पढ़ते हैं, जे को ज पढ़ते हैं, के को क पढ़ते हैं, एल को ल पढ़ते हैं, एम को म पढ़ते हैं। इसी तरह से एन को न पढ़ते हैं, ओ को अपन कभी ओ भी पढ़ते हैं, कभी ए भी पढ़ते हैं, कभी व भी पढ़ते हैं, कभी ऊ भी पढ़ते हैं, कभी आउ भी पढ़ते हैं, पी को प और फ पढ़ते हैं, और क्यू को क पढ़ते हैं, आर को र पढ़ते हैं, एस को कभी श पढ़ते हैं, कभी श पढ़ते हैं, और कभी ज भी पढ़ते हैं। टी को अपन बहुत सारी ध्वनि है, इसके ट भी पढ़ता है, थ भी पढ़ता है, द भी पढ़ता है, श भी पढ़ता है, च भी पढ़ते हैं। तो इसको कब कब कैसे कैसे पढ़ना है उसके कुछ पर्टिकुलर रूल हैं। यू को अपन जो है ऊ भी पढ़ता है, अ भी पढ़ते हैं, वी को व पढ़ते हैं, डब्ल्यू को भी व पढ़ते हैं, इनके अलग अलग जो है उच्चारण है। एक्स को क्स और ज भी पढ़ते हैं, वाई को कभी ई पढ़ते हैं, कभी य भी पढ़ते हैं, और जेड को ज पढ़ते हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कुछ छोटे सी वीडियो के अंदर एक ही ध्वनिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ए को अपन आ कब कब पढ़ते हैं, देखिए जब पहला अक्षर व्यंजन हो और उसके बाद ए आया और उसके बाद लगातार दो अक्षर व्यंजन हो तो उसको आ पढ़ते हैं। जैसे मास्क है, टास्क है, कार है, स्टार है, फार है, पार्क है, लास्ट है, फास्ट है, हाफ है, पाम है, आस्क है, आफ्टर है। यहाँ पर देखिए लगातार दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। उसके बाद देखिए एक जो कब पढ़ते हैं, दोनों व्यंजन के बीच में ए आए, जैसे कैट है, बेट है, मेट हैट है, कैमल है, एंग्री है, इस तरह से। और लास्ट में अगर डबल एल हो तो उसके बीच वाला आ हमेशा थोड़ा हल्का सा औ की ध्वनि पड़ जाता, बॉल, हॉल, टॉल, फॉल, कॉल, ऑल, स्मॉल, वॉल, इस तरह से। शुरू में अगर ए आए तो उसको अ पढ़ते हैं, सिंबल अमूमन अमंग, अबाउ, अराइज, अगाउ, अशाइड, इस तरह से। आगे नेक्स्ट ध्वनि मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और। ई को देखिए जब डबल ई कंटिन्यू होता है उसको बड़ा ई पढ़ते हैं, जैसे फील, हील, डीप, कीप, वीप, ग्रीन, सीन, और ई के बाद अ हो तो झील, हील, मील, इस तरह से। ए कब पढ़ते हैं, जब लास्ट में डबल एल और बीच में एक ई हो तो उसको अ पढ़ते हैं, फैल, टैल, वैल, हेल, स्मेल, पेल, पेन, इस तरह से। ई कब पढ़ते हैं, ई के बाद जब ए हो तो डियर, फियर, वियर, टियर, अपियर, क्लियर, नियर, इस तरह से। तो इसी तरह से मैं आपको सारी ऐसे लेकर के जेड तक के सारे ध्वनियों के बारे में परिचय करूंगा। अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू।